फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं BHEL शेयर के बारे में। अगर BHEL शेयर के बारे में बात करें दोस्तों, देखिए आज 38.70 पे शेयर ने क्लोजिंग दी है। 1.30 रुपये शेयर में आज गिरावट देखी गई है और -3.25% आज शेयर में गिरावट देखी गई है। तो दोस्तों, अगर आज हम बात करें BHEL की, तो देखिए 39.85 का हाई था, 39.85 का हाई था। और देखिए जो शेयर का जो लो था वो था अराउंड 38.50, ठीक है। तो जो मतलब जो क्लोजिंग दी है आज इस सेक्टर ने, वो अपनी कह सकते हैं लो के जस्ट पास दी है। तो देखिए जो लो के पास इसने अपनी क्लोजिंग दी है, यानी 38.50 के पास इसने क्लोजिंग दी है। इसका मतलब शेयर में आज नीचे के स्तर से गिरावट देखी गई है। देखिए आज शेयर को क्या था, आज शेयर बीच में ऊपर चले गया था और जो अपना हाई था क्या 39.85 का, उसको ब्रेक नहीं कर पाया शेयर। तो देखिए शेयर आज, अब आज ग्लोबल इंडाइसेस के कारण आज इंडियन मार्केट भी आज डाउन था और कह सकते हैं आज काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुका था। इसलिए कह सकते हैं कि शेयर्स में दबाव देखने को मिले आज। देखिए काफ़ी ज़्यादा शेयर्स में आपको गिरावट देखने को मिली है, अधिकतर शेयरों में गिरावट देखने को मिली है। बहुत कम ही आप कह सकते हैं एडवांस डिक्लाइन रेशियो में जो एडवांस के शेयर थे वो काफ़ी कम थे, अराउंड 1:3 था। तो इसलिए आज BHEL शेयर में आप कह सकते हैं गिरावट देखने को मिली। निफ्टी मिड कैप आज डाउन था तो इसमें भी गिरावट देखने को मिली। अब देखिए शेयर की बात करते हैं, शेयर आप कह सकते हैं आज आखिरी के टाइम पे जाके शेयर में गिरावट देखने को मिली। देखिए कहाँ से गिरावट देखने को मिली, यहाँ से शेयर में आपको गिरावट देखने को मिली है। और देख लीजिए शेयर नीचे गया है, और नीचे गया है तो इसने बनाया अपना यहाँ पे लो 38.50 का। देख लीजिए शेयर में मुझे लगता है वापस से मंडे को अच्छे खासे आपको मूव देखने को मिल सकते हैं। देख लीजिए अभी ये स्टॉक FNO बैंड में जा सकता है। देखिए एक बार मंडे को इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, FNO बैंड में शायद ही मंडे को FNO बैंड में शेयर जाएगा। मैं आपको मार्केट वाइड पोजीशन बता दूंगा इसकी अगले वीडियो में। तो यहाँ पे आपको अभी देखिए मुझे लगता है थोड़ा सा संभाल के ट्रेड ले सकते हैं, पर मुझे अधिकतर कॉन्फिडेंट है इस शेयर का कि देखिए ये शेयर 40 का बस एक बार इसको लेवल क्रॉस करना है। 41 तक का देखिए लेवल क्रॉस करता है शेयर तो मुझे लगता है काफ़ी अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिलेगी। देखिए शेयर अभी कह सकते हैं इस हफ्ते तो काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेट हुआ और अराउंड -7% शेयर गिरा है। क्योंकि देखिए शेयर वो जो पूरा इस हफ्ते आप कह सकते हैं निफ्टी और सेंसेक्स का जो टर्म था वो सब नीचे गिरे हुए थे। आप कह सकते हैं आज इस बार निफ्टी सेंसेक्स सब शेयर आप सब गिरे हुए थे, इसलिए BHEL शेयर में भी आपको गिरावट देखने को मिली है। अब देखिए इसका हम देखते हैं इसके टेक्निकल्स के बारे में देख, तो देखिए अगर हम देखते हैं, देखिए अभी भी टेक्निकल्स की, तो देखिए यहाँ पे बाइंग का सजेशन दे रखा है। अब देखते हैं 5:8:15 बाइंग है और 15 यहाँ पे बाइंग है, यहाँ पे ऑसिलेटर्स ने बाइंग दी, तो हर जगह भी बाइंग तो चल रही है। तो आपको शेयर में अभी भी बाइंग की सलाह दी जा रही है शेयर में। अब देखिए मैं आपको इस शेयर का एक बार कैंडल, देखिए यहाँ पे आपको कैंडल पैटर्न दिखा रहा हूँ। देखिए मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाई है ब्लू ब्लू कलर की, अगर आपको दिख रही होगी। देखिए यहाँ से शेयर में आप कह सकते हैं इस हफ्ता शेयर पे काफ़ी ज़्यादा दबाव रहा है और शेयर का जो पैटर्न है वो डाउन जा रहा है। देखिए हर बार अगर देखेंगे तो देखिए डाउन से अप जाता है, वैसे मुझे लगता है अगले हफ्ते भी डाउन से अप जाएगा शेयर। तो आपको देखिए अगर अभी ख़रीदना है तो देखिए एक बार आपको बस मंडे तक का वेट करना पड़ेगा। मैं आपको मंडे तक का वेट करने के इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए अगर FNO में जाता है तो थोड़ा बहुत शेयर टूटता है, तो वहाँ पर आपको बचना है और वहाँ से शेयर को ख़रीदना है। क्योंकि देखिए FNO से जब भी निकलता है हर बार 4-5% की रैली तो ये मिनिमम दिखाता ही है। तो ये यहाँ पर आपको शेयर FNO बैंड में ख़रीद के रखना है दोस्तों। इसको 30 अगर आपको सही लेवल पे मिल जाए तो 38 पे ख़रीद लीजिए, 38.00 पे, या फिर शेयर को 38.20 तक, ये दो लेवल से यहाँ पे ख़रीद के चलिए शेयर को, ताकि शेयर में आपको अच्छा खासा आगे मुनाफा देखने को मिल सके। दोस्तों यही था इस वीडियो में, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।